फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली एंड फन ब्लॉग। आज मैं आपके सामने गोभी मंचूरियन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए, ये मैंने गोभी को बॉयल करने के लिए 5 to 7 मिनट्स रख दिया है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला था और 1/2 टीस्पून मैंने विनीगर भी डाला था। उसका क्लिप मैं लेना भूल गई। आफ्टर 5 to 7 मिनट्स मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। इसको ठंडे पानी से मैं इसे धो लूंगी। देखिए, हमारा गोभी बॉयल हो चुका था। इधर कुछ वेजीज है जो मैंने कट किए हैं। ये रेड कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है, ये एक 1 बिग साइज का ऑनियन है, ये स्प्रिंग ऑनियन है, ये बटर है जो मैं डालूंगी, ये डार्क सोया सॉस है, ये विनीगर है, ये चिली गार्लिक सॉस है, ये टोमेटो सॉस है, ये ग्रीन चिली सॉस है जो मैं डालूंगी, ये चॉप किए हुए गार्लिक हैं, चॉप जिंजर हैं एंड 1 ग्रीन चिली है, ये मैदा है, ये कॉर्नफ्लोर है। अब मैं सब गोभी को ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर से। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा सब गोभी ग्रेट हो चुका। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव्स भी डाला है। अब मैं इसमें बटर डाल दिया मैंने और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाला है। थ्री टेबल स्पून रिफाइंड फ्लोर मैं डालूंगी। ब्लैक पेपर भी मैंने डाला है। अब मैं इसे मैश करूंगी। अब मैं इसे छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पके, हमारे बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स। अब मैं इधर इसके सॉस बनाने का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 कप वाटर लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून मैंने शुगर डाला है टू बैलेंस द टेस्ट, 2 टेबलस्पून मैं डार्क सोया सॉस डालूंगी, 1 टीस्पून मैं विनीगर डालूंगी, 1 टीस्पून मैंने टोमेटो सॉस डाला है, चिली गार्लिक सॉस डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है। अब मैं सॉस को मिक्स कर रही हूँ। इधर हमारे मंचूरियन बॉल्स भी फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह मैंने सभी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लिया है। अब मैं चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक ऑयल में डाल रही हूँ। इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अब मैं चॉप्ड वेजीज डाल रही हूँ, ऑनियन, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, जो आपके पास वेजीज हैं आप डाल सकते हैं इसमें। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है,
इसे अच्छे से सौते करना है। और ये सॉस जो था मैंने जो बनाया था वो मैंने मिक्स कर दिया। इसे हाई फ्लेम पर सॉस को पकाना है वेजीज के साथ अच्छे से। मैंने हाफ कप वाटर और डाला है, मैंने ब्लैक पेपर मैंने डाला है। हमारा सॉस पक गया है बिल्कुल। अब मैंने सब मंचूरियन बॉल्स इसमें डाल दिए, इसे मिक्स करना है अच्छे से। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये हमारा यम्मी एंड डिलीशियस गोभी मंचूरियन रेडी हो चुका है लंच के लिए, डिनर के लिए। आप लोग इस तरह से बनाएं, ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आएंगी। और मैंने गार्निश किया है इसे स्प्रिंग ओनियन से। रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन रेडी हो चुका है। इस तरह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाएं, खिलाएं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल फैमिली एंड फन ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।